शाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम 10 नाम अपराध के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे। 10 नाम अपराध के बारे में वर्णन है पद्म पुराण उत्तराखंड 25x7 श्लोका से। नाम वैष्णव अपराध कितने हैं? 10 छः है ना। नाम अपराध कितने हैं? 11 एक्चुअली 11 है। और 11वां नाम अपराध जो है वो एक्चुअली अगर हम उससे बच जाएं तो बाकी 10 से भी हम बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं पद्म पुराण में क्या बताया गया है। उत्तरखंड 25x7 श्लोका। मायावादामसच्छास्त्रम् प्रच्छन्नं बोद्धमुच्यते मयैव विहितं देवी कलौ ब्राह्मणमूर्तिना। तो ये वाला तो हमने वो पढ़ा कि कई बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि एक्चुअली भगवान है नहीं है, नाम भगवान जितना ही ताकतवर है कि नहीं है। तो मायावादी लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं। तो एक्चुअली शिव जी ने भगवान की इच्छा से ही प्रकट हुए थे, ये इस श्लोक को हमने अभी पढ़ा। तो आगे हम नाम अपराध पढ़ेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि इस नाम अपराध से बचे बिना हमें कभी भी कृष्ण प्रेम जो परम सिद्धि है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। और पहला नाम अपराध है ब्रह्मखंड पद्म पुराण 25x14x18 है। सतम निंदा नाम नह परमम अपराधम वितनुते यतः ख्यातिम यातम कथम उसहते तद्विगर्हम। पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना यह नाम का सबसे बड़ा अपराध है। नाम प्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है ऐसे निंदनीय कार्य को कभी सहन नहीं करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे महाभागवत बताया गया है, लेकिन अगर कोई भक्त कनिष्ठ भी है, नया नया भी भक्त है, तो भी कृष्ण सहन नहीं करते हैं क्योंकि वो कृष्ण के शरणागत हो चुका है। तो इसलिए वैष्णव अपराध से ही हमें बचना है। और उसमें अगर किसी ने ऐसे व्यक्ति का अपराध किया जिन्होंने प्रचार कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दिया है भगवान के नाम प्रचार में, तो वैसे व्यक्ति को कभी भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से नाम जप करने से पाप तो नष्ट होता है। अगर अनजाने में भी कोई नाम ले, जैसे कि शिशुपाल है, जब बोलना शुरू किया था तोतली ऐसे बोलते हैं ना बच्चा, तो तभी से ही कृष्ण की बुराई करने लगा था। 2400 घंटा कोई कृष्ण को बुराई कर सकते हैं? लेकिन शिशुपाल कर सकता था, तभी तो उद्धार हुआ। यानी 24 घंटे कृष्ण का ही नाम ले रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर नाम जप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा पाप तो नष्ट होगा ही होगा। अगर आप
बिना मन के भी नाम जप कर रहे हैं, जैसे कि आपने आपको भूख लगी है पर आपको बहुत बड़ा कुछ दुख हो गया मन में, किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ हो गया, तो भी क्या होता है कि आप खाने का मन नहीं करता लेकिन भूख पेट में लगी है। तब जब आप खाते हैं या ज़बरदस्ती कोई खिला देते हैं तो पेट भरता है नहीं भरता है, भर जाता है। और बुखार है बच्चे को, उस दवाई नहीं खाना, कड़वा है, फिर भी मम्मी अगर उसको दवाई पिला दे तो बुखार उतरेगा कि नहीं उतरेगा? तो ऐसे ही आप भले ही मन से नाम ले या बिना मन से नाम ले, पाप तो नष्ट होगा ही, और इतना पाप तो हम कर ही नहीं सकते जितना भगवान के नाम खंडन कर देते हैं उन पापों को, बड़े बड़े पापों को। इसलिए प्रायश्चित का सबसे बड़ा तो यही है कि हम कृष्ण का निरंतर नाम लें। तो आज हम क्यों बात कर रहे हैं नाम अपराध का, क्योंकि हमारा लक्ष्य पाप को नष्ट करना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना जो परम सिद्धि है। तो इसीलिए हमें पहला नाम अपराध यही है कि हम निंदा ना करें उन वैष्णवों की, किसी भी वैष्णव की हमें निंदा नहीं करना चाहिए। आप जैसे कि हरिदास ठाकुर जो 2400 घंटा केवल नाम जप करते थे, उनकी निंदा किया था गोपाल चक्रवर्ती नामक एक व्यक्ति ने, जब हरिदास ठाकुर ने कहा एक शुद्ध नाम लेने से ही मतलब व्यक्ति का उद्धार हो सकता है और समस्त पापों से तो मुक्त हो ही जाएगा, तो इस बात पर बहस किया उन्होंने और बोला कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपका नाम काट दूंगा, ऐसे बोला। तो इससे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि हरिदास ठाकुर ने अपना जीवन नाम प्रभु के लिए समर्पण कर दिया था। तो 3 दिन के अंदर गोपाल चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे दिखने में, उनका नाक भी बहुत पॉइंटेड सुंदर था, वो नाक गल गया गुस्से रोग में, वो नाक काटने की बात किया था, उनके सुंदर सुंदर हाथ की लंबी लंबी उंगलियां वो गल गए। तो तब जाके उनको पता चला कि मैंने हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया। एक बार एक भोजन के आयोजन किया था अद्वैत आचार्य ने, 500 वर्ष पहले की बात है, उस समय एक्चुअली हमारे तरह लाइटर एंड माचिस ये सब बहुत अवेलेबल नहीं होता था, एक घर से दूसरे घर के चूल्हे में आग जलाया जाता था। तो ऐसे ही हुआ कि अद्वैत आचार्य ने भोजन का आयोजन किया और जैसे हरिदास ठाकुर को भी उन्होंने बुलाया, हरिदास ठाकुर का जन्म यवन परिवार में हुआ था, मुसलमान परिवार में, तो इसी के कारण जो है ब्राह्मण लोग उठ खड़े हुए, बोले कि अगर आप 500 ब्राह्मणों का भोजन बना था, बोला अगर आप इनको खिलाओगे यवन परिवार से है तो हम यहाँ अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ब्राह्मण आपसे नाराज़ होकर चले जाएंगे। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि हम आपको जाने के लिए तो नहीं कहेंगे लेकिन हरिदास ठाकुर तो यहाँ भोजन करेंगे, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो फिर सारे के सारे ब्राह्मण चले गए कि हम यहाँ नहीं खाएंगे। तो हरिदास ठाकुर ने अद्वैत आचार्य को कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, उन लोगों से क्यों आपने शत्रुता मोल लिया? तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि आपको खिलाना 5000 ब्राह्मणों को खिलाने जितना है, तो इसलिए आपको जाने दीजिए उनको। तो वो चले गए पर सोचा कि अभी तो भूखे हैं, ऐसे भी कभी अगर भोजन में बुलाते हैं तो थोड़ा पेट को खाली करके ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस दिन ओवरईटिंग होने का चांसेस होता है। तो उन लोगों ने कुछ बनाया नहीं था और घर जाकर जब बनाने लगे तो चूल्हा ही नहीं जल रहा है, अग्निदेव भी नाराज है। तो कहने का मतलब है कि हम महाभागवतों के प्रति जो भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान के नाम प्रचार करते हैं, अपराध ना करें, इस पर हमें खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरा नाम अपराध है शिवस्य श्री विष्णुरिया इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम हितकरः। देखिए कई बार लोग बोलते हैं ना आप किसी का भी नाम जप करिए फल आपको सेम मिलेगा, तो ये दूसरा नाम अपराध है कि शिव ब्रह्मा या अन्य जो देवताएं हैं उनके नाम को भगवान विष्णु के नाम कृष्णा राम के नाम के बराबर समझना या उनसे स्वतंत्र समझना कि ये स्वतंत्र ईश्वर है, ऐसा नाम जप करने से भी हमें वही लाभ मिलेगा जो हमें कृष्ण नाम जप करने से मिलेगा, तो ये भी नाम अपराध है। आपको एक कथा आपने सुना होगा श्रीमद् भागवतम से, नारद मुनि पहले जन्म में उपबर्धन गंधर्वों के राजा थे और गंधर्वों के राजा को देवताओं ने कीर्तन मेला सम्मेलन किया, सिर्फ हमारे यहाँ ही कीर्तन मेला नहीं होता है बल्कि देवलोक में और ज़्यादा होता है क्योंकि सभी लोग भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं।
तो कीर्तन मेला जब किया तो बुलाया गया, तो बहुत सारे स्त्रियों के साथ, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ वो वहाँ पे आए उपवर्धन राजा, और आते ही देवताओं के नामों का गुणगान करना शुरू कर दिया। उनको लगा कि इनको अच्छा लगेगा, लेकिन इस बात को देखते ही दोष लग गया ना, क्योंकि वहाँ पे भगवान का नाम कीर्तन हो रहा था, तो प्रजापतियों ने उनको श्राप दिया कि जाओ पृथ्वी में जाके दासी पुत्र बनो। तो यानी भगवान कृष्ण के नाम को या भगवान कृष्ण का जहाँ उपस्थिति है, भगवान के विग्रह के सामने कृष्ण के अलावा हम किसी का गुणगान करें तो भी हमें अपराध लगता है। केवल गुरु का कर सकते हैं आप, गुरु पूजा के समय टेम्पल बंद नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण को गुरु अत्यंत प्रिय है। या जैसे कृष्ण का विग्रह खुला हुआ है, कोई दूसरे भक्त है, आप उनको कृष्ण के सामने प्रणाम या उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, अपराध लगता है, लेकिन गुरु आए तो कर सकते हैं। तो ये है कि आप शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को कभी भी भगवान विष्णु के नाम ना समझें, और हमेशा भगवान कृष्ण के नाम पर पूर्ण श्रद्धा रखें। तीसरा नाम अपराध है गुरुर अवज्ञा, जो एक बहुत बड़ा नाम अपराध है। गुरु ही हमारे चक्षु उन्मिलित करते हैं, है ना, चक्षु उन्मिलितम। तो उन गुरु की बातों का अवज्ञा करना या उनको साधारण मनुष्य समझना, ऐसा हुआ था। इससे रिलेटेड एक कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, माधवेंद्रपुरी का आप लोगों ने नाम सुना है, कुछ माधवेंद्रपुरी का कुछ कथा याद है आपको? चंदन लेने गए थे तो क्षीरसुर गोपीनाथ का नाम पड़ा, माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर भी छुड़ाया, है ना, वो माधवेंद्रपुरी है जो बहुत महान भक्त हैं। भगवान ने उनको बताया कि वो कहाँ पे है, फिर उन्होंने गोवर्धन में गोपाल के लिए मंदिर बनवाया था, अन्नकूट वगैरह कराया था। तो उनको भगवान ने कहा था कि चंदन लेकर आओ, बहुत दिन से मैं, मेरे को ऐसे दबा के रखा था ना छुपा के, तो बहुत गर्मी हो गई है बॉडी में, तो आप चंदन लेकर आओ और मेरे बॉडी में लगाओ। फिर जब रास्ते से वो आते हैं तो जो रेमुना है खीरसुरा गोपीनाथ जहाँ पे है, तो वहाँ पे वो रुकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि फ्लाइट से आ जाएंगे। तो रुकते समय भगवान स्वप्न उस दिन रात को खीर भोग लगाते हैं, तो उनको मन में होता है कि ये वाला खीर कैसे बनता है, एक बार टेस्ट कर सकता तो मैं अपने गोपाल को भी ऐसा ही बना के खिलाता। हालांकि उन्होंने भगवान के लिए सोचा, पर उनके मन में आया भोग लगने से पहले मैंने टेस्ट करने के बारे में सोचा, तुरंत उस स्थान त्याग कर मार्केट प्लेस में जाकर जप करते हैं। तो भगवान ने इतना सारा मटका जो भोग लगा था एक धोती के पीछे छुपा लेते हैं, और जब सब सो जाते हैं पुजारी को स्वप्न देते हैं कि माधवेंद्रपुरी मार्केट प्लेस में बैठ कर जप कर रहे हैं नाम जप, मैंने धोती के पीछे एक मटका छुपाया, वो उनको दे दो, क्योंकि एकदम बच जाता है ना पूरा खीर। तो फिर सबको पता चलता है कि माधवेंद्रपुरी कौन है। तो वो माधवेंद्रपुरी का शिष्य था, दो शिष्य उनके जो अंतिम समय था उस समय बहुत सेवा कर रहे थे, उनमें से ईश्वरपुरी थे जो बहुत ही गुरु के आज्ञा पालक थे, और एक दूसरा शिष्य था जो अपने आप को महान भक्त समझता था। तो ऐसा हुआ कि माधवेंद्रपुरी जैसे विरह में है और राधा कृष्ण के लिए रो रहे हैं, तो वो ऊपर से उनको ही शिक्षा देने लगे, अपने गुरु को शिक्षा देना। आप अगर खुद को कभी भी गुरु से ऊपर बड़े चढ़े समझते हैं तभी भक्ति में क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसा ही हुआ, और बाद में वो शिष्य बहुत ज़्यादा भटक गए, बुद्धि एक्चुअली नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जैसे कि आपको लग सकता है कि अच्छा ये भक्त ने तो गुरु की अवज्ञा किया, फिर भी तो भक्ति में लगे हुए हैं, गुरु की अवज्ञा किया या गुरु को त्याग दिया, फिर भी बड़ा बड़ा मंदिर बना रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन उनका आध्यात्मिक उन्नति असल में नहीं होता है। उनको कभी भी भगवान माफ़ नहीं करते हैं और ना कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं जो गुरु की अवज्ञा करते हैं, और बहुत सारे चीज़ों में वो भ्रमित हो जाते हैं एक्चुअली। तो ये दिखावा के तौर पर होता रहेगा, लेकिन हृदय में जो अनुभूति है वो नहीं हो पाएगा। तो गुरु की अवज्ञा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और कभी अगर गुरु कुछ आज्ञा दे और हमें लगता है कि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो गुरु से ही उसका या अपने मेंटर से पूछना चाहिए कि इस रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं,
या गुरु को साधारण मनुष्य समझकर कि ये तो हमारे तरह शरीर है, अब हमारे तरह नहाते हैं, खाते हैं, बूढ़े होते हैं, तो ऐसे अगर हम समझें तो हमारा क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। एक्चुअली इसमें भी श्लोक है जिसमें बताया गया है, गुरु को साधारण मनुष्य जो मानता है और जो भगवान के विग्रह में पत्थर बुद्धि रखता है, ये तो पत्थर का बना हुआ है, है ना, या वैष्णवों में जाति बुद्धि। अच्छा है, आप कौन से जाति के हैं? ओ ये उस जाति के, हम तो बड़े उच्च जाति के, बस हो गया, नरक जाने का द्वार खुल गया। ये द्वार अदृश्य है, गोलक का भी नरक का भी खुल जाएगा, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट है श्रुति शास्त्र निंदनम। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना भगवान नाम का अपराध है। कई बार बहुत सारी बातें शास्त्र में बताया जाता है जो हमारे मन को अच्छा नहीं भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये बताया गया है, जैसे मान लीजिए स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए, सभी स्त्रियां उठ खड़ी होंगी ऐसे कैसे, है ना, लेकिन इसके पीछे क्या इम्पोर्टेंस है? जो स्त्री होती है तो बालकों जैसे सरल होती है, उनको फुसलाना मनाना इतना मुश्किल नहीं है, वो लोग कठोर हृदय नहीं होती है। आप देखिए अभी कथा में स्त्री ज़्यादा है कि पुरुष? स्त्रियाँ ज़्यादा है, तो स्त्रियों का हृदय बहुत कोमल है, वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, बहुत जल्दी भगवान से जुड़ जाते हैं। अगर भगवान से जुड़ जाए वो कोमल हृदय तो तुरंत भगवान को प्राप्त भी कर सकती है, और नहीं तो किसी और ने फुसला दिया तो पतन भी हो सकता है, है ना। इसलिए बोला गया है कि बचपन में पिता के संरक्षण में रहे और जब यंग हो जाए तो पति के संरक्षण में रहे, या बूढ़े हो जाए पति भी नहीं है तो उनके पुत्र के संरक्षण में रहे। इसीलिए बोला क्योंकि वो लोग इतना अनमोल है, बालक को जैसा उनका स्वभाव है। लेकिन अगर हम उसको लेके कोई खंडन करने जाए, ये नाम अपराध लग जाएगा। एग्जाम्पल है, एक बार लेक्चर में बैठे हुए थे तो प्रभुपाद ने बता रहे थे कि भीम तो अभी तो लोग एक दो लड्डू खा के ही वो परेशान हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े लड्डू अगर 50 साल तो पेट फट जाएगा, तो भीम तो 50-100 लड्डू ऐसे ही खा सकते थे। तो किसी ने पूछा क्या ये सच है, कैसे कोई इतना लड्डू खा सकते थे? प्रभुपाद ने उनको इतना कस के डांटा कि आप शास्त्रों में कैसे संदेह कर सकते हो। वो डांटने से बल्कि हमारा कल्याण होता है, कभी कभी गुरु डांटते हैं ना हमारा अपराध नष्ट हो जाता है, तो इसलिए गुरु का डांट ठीक है हमें सुधारने के लिए जो करते हैं। हालांकि अगर हमारा बुद्धि बहुत खुली हुई नहीं है तो हमें बुरा लग सकता है, आप गुरु का त्याग कर सकते हैं, गुरु के प्रति बुरी भावना उत्पन्न कर सकते हैं, पर इससे नुकसान हमें ही होगा। जैसे कोई पेरेंट्स को छोड़ देते हैं कि पेरेंट्स ने अच्छा कुछ बोला नहीं, ये तो बहुत ही मेरे शत्रु है, टीन एज में खासकर बच्चों को ऐसा विद्रोह करने लगता है मन, लेकिन जैसे बड़ा होता है तो बच्चों को अच्छा लगता है। अच्छा पढ़ने के लिए नहीं बोलते तो आज हम इतना अच्छा नहीं पढ़ पाते, दूध नहीं पिलाते, फल नहीं खिलाते जबरदस्ती, जिसके लिए हम इनको विलेन समझते थे, तो हमारा इतना अच्छा सुंदर शरीर नहीं बनता, ताकतवर नहीं बनता। तो जब हम भक्ति में मैच्योर्ड होते हैं तो हम गुरु की जो डांट है, या शास्त्र की भी डांट होता है ना, शास्त्र भी बहुत कुछ बोलते हैं, तो हमें सब समझ में आने लगता है। तो इसलिए अगर हमें कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है शास्त्रों की बातें, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? खंडन नहीं करना चाहिए उसको, हमें समझना चाहिए कि ठीक है अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन समय के साथ समझ में आएगा, जैसे जैसे मेरा प्यूरिफिकेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है तथा अर्थवाद। नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना, अर्थात वेदों में वर्णित भगवान नाम की महिमा का वर्णन केवल मनुष्य को अच्छे कार्य की प्रेरणा देने के लिए किया गया है और किसी विशेष वास्तविक वस्तु का वर्णन नहीं है, ऐसा समझना कि वो सोचे कि बस ये अच्छा अच्छा कार्य करे मनुष्य और इसीलिए जो है हमें ये करना चाहिए, लेकिन नाम की महिमा कहीं गुना ज़्यादा है। नाम आपको भगवान का दर्शन करा सकते हैं, नाम अगर भगवान गोवर्धन उठा सकते हैं तो नाम भी उठा सकते हैं। अगर भगवान हमें जो भी भगवान कृष्ण हमें दे सकते हैं वो सब नाम दे सकते हैं, लेकिन नाम जो है भगवान ने अपने से भी बढ़कर बताया है कई बार, है ना, जैसे राम नाम लिखा तो पत्थर तैरने लगे। तो ऐसे ही कली युग नाम आधारा, अगर हम कली युग में भगवान का नाम जप करते हैं, कोई और कुछ करे चाहे ना करे, तो क्या होगा, हमारा उद्धार हो जाएगा।
कई बार हम सावधानीपूर्वक नाम जब इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मन बहुत उदास रहता है, किसी कारण उदास हो सकता है, किसी ने बित्रे कर दिया, धोखा दे दिया, बिजनेस लॉस हो गया, या कई बार विटामिन सी की कमी हो जाती है, कई बार पानी की कमी, आप कम पानी पीने लगते तो भी मन उदास। ये सब तमस है, तामसिक चीज़ें हमारे मन को अट्रैक्ट करता है, तामसिक गुण है, तामा गुण है। तो तब भी आप जब माला में हाथ डालते हैं तो उत्साह नहीं होता है, ओ करना पड़ेगा, हम दीक्षा ले लिया, 16 माला का नाम जब करना पड़ेगा, ऐसी भावना आ सकती है। तो उसमें हम उत्साही भक्तों की कथा सुने, उत्साही भक्तों के संग में नाम जप करें, तो ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो हम सावधानीपूर्वक नाम जप कर सकते हैं और शास्त्रों को जितना पढ़ेंगे, शास्त्रों की महिमा को जानेंगे, तब हम अर्थवाद का आरोप करना या अन्य अपराधों से मुक्त हो सकते हैं। ओके, एक ये बात और भी है कि ऐसे सोचना कि बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, ऐसा सच नहीं है, लेकिन कुछ भी बोलते ही है ना ताकि हमारा श्रद्धा बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। अगर बोला गया है तो ये परम सत्य है, क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म सिर्फ भगवान ने ही बनाया है, भगवान ने ही शास्त्र हमें प्रदान किया है। हरि नामनी कल्पनम, हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना भगवान नाम का अपराध है, जो हमने अभी बोला ये काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे समझना। नामनो बलाद्यस्य हि पाप बुद्धिर् न विद्यते तस्य यमन ही शुद्धि ही। अब हम सेवेंथ वाले नाम अपराध में आए हैं। यह सोचकर कि हरे कृष्णा मंत्र सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, अतएव पाप कर्म करते रहना और उन्हें काटने के लिए हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करना हरि नाम के चरण कमलों पर सबसे बड़ा अपराध है। दूसरे शब्द में नाम के बल पर पाप करना भगवान नाम का सबसे बड़ा अपराध है। कोई चोर है, उसको पता चल गया हरि नाम से पाप नष्ट होता है, अरे बहुत बड़े बड़े पाप नष्ट होता है, तो चोर ने सोचा कि नाम भी जप करूँगा चोरी भी करूँगा, है ना। तो कोई भी नाम के बल पर पाप करना मतलब नाम जपते जपते पाप करते रहना। अगर आपने पाप नहीं भी किया और मन में सोचा कि कोई बात नहीं, बाहर अब दीक्षा हो गई, आप किसी भक्तों को थोड़ी पता चला चलेगा मैं प्याज लहसुन खा रहा हूँ, नहीं एक बढ़िया रेस्टोरेंट है, इसका टेस्ट मेरे जीभ में चढ़ा हुआ है, खा लूँगा और 16 माला एक्स्ट्रा कर लूँगा, नहीं, सोचने मात्र से ही हमारा पाप लग जाएगा। नामनो बलाद, नाम के बल पर पाप करना बहुत बड़ा पाप है, तो ये अपराध है बहुत बड़ा, जो हमें भगवान तक कभी भी नहीं पहुंचाएगा। आठवां अपराध है धर्म व्रत त्याग हुतादि सर्व शुभ क्रिया साम्य अपी प्रसाद। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्मकांड के समान समझना भगवान नाम का अपराध है। अच्छा, वो नवरात्रि आया तो ठीक है, जप नहीं करेंगे 16 माला क्योंकि हम पूजा पाठ में या माता की उसमें बिजी रहेंगे, तो ये और ये तो एक ही बात है, नहीं वो भी अपराध हो जाएगा, तो माता को भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो स्वयं वैष्णवी है, उनका एक नाम वैष्णवी है, वो बहुत बड़े वैष्णवी है। तो कोई भी कर्मकांड या यज्ञ अनुष्ठान है, मान लीजिए कि आपने अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ कभी हरिनाम के समान फल देने वाले मान लिया, तो वो भी बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। कोई भी कर्मकांड जैसा नहीं है, ये कोई शुभ कार्य नहीं है, ये साक्षात भगवान है, भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं है। आप जैसे किसी को अपने घर बुलाइए और मोबाइल में लगे रहिए, वो आपके सोफे में बैठे हैं, आपके शक्ल देख रहे हैं, कब मुझसे बात करेंगे, और आप बात ही नहीं करेंगे, एक मिनट प्रभु एक मिनट मेरे को एक इम्पॉर्टेंट मेल आया है, तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं और बीच बीच में अच्छा ठीक है अभी बोलिए, तो इतने में आपका चैटिंग फिर से किसी ने रिप्लाई किया, फिर से हाँ फिर से चैटिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा, आपको अगर कोई बुला के ऐसा करे अच्छा नहीं लगेगा। तो हम माला जपते समय अगर ऐसे करें तो भी वो अपराध हो जाता है, इसलिए क्योंकि भगवान साक्षात हमारे जीभा में नृत्य करने लगते हैं और उनकी ताल में वो हो जाता है नृत्य में,
तो भगवान ने जैसे आपको दामोदर मंच है तो दामोदर लीला है, भगवान ने क्यों मटकी फोड़ दी? यशोदा मैया दूध पिला रही थी और कृष्णा उनको आनंद प्रदान कर रहे थे। मैया के चादर में छुप जाते, फिर खिलखिला के हंसते चादर हटा लेते, तो ऐसे आनंद मिलता है मैया को अगर बच्चा ऐसे बालक ऐसे खेले। तो इतने में याद आया, अरे दूध छन छन करके गिर जाया, क्योंकि इतना मेहनत से वो दूध भी बहुत स्पेशल है, हजारों गायों का दूध से एकत्रित करके कुछ गायों को पिलाकर, उन गायों को खास नहीं खिलाते, सिर्फ दूध, वो दूध पिलाकर उस दूध का दूध को कृष्ण के लिए एकत्रित कर दी यशोदा मैया, ताकि उसका मक्खन बना सके जो कृष्ण का फेवरेट है। लेकिन वो दूध गिर रहा था तो बचाने जाना था, तो एकदम से कृष्ण को नीचे रख कर वो भाग गई। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा कि मुझे अटेंशन नहीं दिया, मैं इतना आनंद दे रहा था, तो कृष्ण ने मटकी फोड़ ली। ये तो खैर बहुत सुंदर लीला है, दामोदर मंच है, दामोदर लीला है, इसे हमने उल्लेख किया। तो हमें भी ऐसे भगवान को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आपके घर प्राइम मिनिस्टर आए, आपके ऑफिस आ जाए, आप उनको एक सेकंड के लिए भी नेग्लेक्ट करेंगे? और ये तो सभी के प्राइम मिनिस्टर है, सभी के राजा है भगवान साक्षात। तो इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम भगवान को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें, और कभी भी ये ना सोचें कि ये और कोई भी यज्ञ समान हो सकता है। तो जबकि पद्म पुराण में ये भी कहा गया है कि 1000 विष्णु नाम इज इक्वल टू 1 राम नाम, और 3 राम नाम इज इक्वल टू कृष्ण नाम। यानी कृष्णा जो बोलते हैं हरे कृष्णा, हरे मीन्स राधे, तो हरे कृष्णा, तो तुरंत जो है हम इतना लाभ, मतलब 3000 नाम जप करने का हमें लाभ प्राप्त हो गया है ना, 3000 विष्णु नाम। नेक्स्ट है 9वां अपराध, अश्रद्धाने विमुखे प्यश्रिन्वती यच्छोपदेशः शिवनाम अपराधः। जिन्हें भगवान नाम के विषय में कोई श्रद्धा ना हो, ऐसे लोगों को पवित्र नाम की महिमा का प्रचार करना भगवान नाम का अपराध है। अब देखिए, आप जब प्रचार, मतलब ऐसे लोगों को बोलते ना कि मुझे बहुत आनंद मिल रहा है नाम जप में, आप भी नाम जप करिए, या आप उनको सिखा देते कि हरे कृष्णा महामंत्र ऐसा है, नाम जप करिए, तो वो अलग है। और आप जब उनको महिमा बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हरिनाम जप से करोड़ों करोड़ों का जन्म, करोड़ों जन्मों का पाप एकदम से नष्ट हो जाता है, हरिनाम जप से आप गोलक धाम प्राप्त करेंगे, तो ऐसी बातें जब आप करते हैं तो उनको श्रद्धा नहीं है तो वो मजाक उड़ाएंगे, या वो अश्रद्धा की भावना रखेंगे, इससे उनको भी अपराध लगेगा और आपको भी लगेगा, क्योंकि महिमा का उपदेश अश्रद्धालुओं को नहीं देना। आप नाम जप कर रहे हैं, उन्होंने पूछ लिया कि हाँ ये कैसे करते हैं, आपने बता दिया कैसे करते हैं, तो कर लिया, दैट इज़ इश्यू नहीं है। लेकिन नाम की महिमा उनको ना बताए, वो कितना भी प्रवोक करे चैलेंज करने के लिए, डिमन एटीट्यूड है, असुर बुद्धि है, तो क्या होगा, अपराध लग सकता है। तो महिमा का उपदेश ना करें उन श्रद्धालु व्यक्तियों पर। अब देखिए, हमारे नाम की जहाँ तक बात है, कई बार हम, सबसे बेस्ट ये है कि हम एक जगह बैठकर नाम जप करें, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक तो जो लोग ऐसे पद्मासन में नहीं बैठ सकते, वो लोग चेयर में बैठ सकते, पर चेयर में बैठना भी इतनी देर आसान बात नहीं है। आपका मन अंदर से बोलेगा उठ जाओ थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा सा जगह नाप के आते हैं, लोगों को देख के आते हैं, या थोड़ा वॉक कर लेते हैं, लेकिन वॉक करते करते उतना कंसंट्रेशन कभी नहीं हो पाएगा जितना कंसंट्रेशन आपका बैठ कर होगा। और बैठकर भी आप जब रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे या आंखें बंद करेंगे तो अच्छा कंसंट्रेशन क्यों होगा। मंदिर में भी अगर हम जप कर रहे हैं तो हमारे सामने जब लोग आते जाते, अच्छा ये प्रभु भी आए, अरे ये माता जी आ गए दिल्ली से, आप लोग कब आए, तो ऐसे बातचीत शुरू हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम आंखें बंद करते हैं लेकिन आपने रात को पूरी नींद नहीं लिया तो भी आपको नींद आ जाएगी। इसलिए रात को पूरी नींद लेना है, और आंखें बंद करते नींद आ रही है तो आंखें बंद नहीं करना है। तो ये सब ध्यान रखना है हमें नाम जप करते समय। आपने सुना होगा कि बहुत सारे निराकारवादी गुफाओं में, पर्वतों में जाकर तपस्या करते हैं, करते हैं, ये क्या आसान बात है? नहीं। और हमें जो जाना है गोलोक, जो सायुज्य मुक्ति से कहीं ऊपर है, और हम लोग घूम के टहल के माला जप कर रहे हैं, तो सावधानी नहीं रहती है।
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जैसे आप लोग जब अभी दीक्षा आप लोग सब लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले आपने हो सकता है दो या चार माला से शुरू किया हो, फिर जब आप स्टेबल हो गए फिर और चार बढ़ा दिया, आठ में स्टेबल हो गए 12 कर दिया, 12 में स्टेबल हो गए 16 कर दिया, ऐसे किया था। तो ऐसे जब आप करते हैं तो अभी आपको 16 माला करना बहुत मुश्किल लगता है क्या? नहीं लगता है। तो ऐसे ही पहले हम बैठ के दो चार माला करेंगे, जब उससे स्टेबल हो जाएंगे आपका मन बोलेगा ऊंचा 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 ऊंचा, बोलेंगे ये बात, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रखो वॉइस नोट डाल के रखो, लेकिन उठना नहीं है, तो हम करेंगे ये काम, मन को आप बोलिए ये काम करेंगे। तो इस तरह से चार माला आपने बैठ के करना प्रैक्टिस कर लिया, फिर और दो माला बढ़ा लिया, छः माला बैठ के करना प्रैक्टिस किया। या आप अगर ऑफिस में काम करते हैं सुबह शाम आठ आठ माला कर रहे हैं, तो आठ माला एक साथ बैठ कर सुबह किया, आठ माला एक साथ बैठ कर शाम को किया, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा सावधानी पूर्वक नाम जप जो है वो होगा। अब हम नाम जप के लिए उत्साह कैसे लाएंगे, जैसे आज आप नाम जप के बारे में सुन रहे हैं तो मन में उत्साह जागृत हो रहा है, तो ऐसे हमें रोज़ सुनना होगा। बहुत सारा यूट्यूब में लेक्चर्स है इस कॉल का, आप हरिनाम पर सुन सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ये पढ़ना होगा, इससे हमारा उत्साह बना रहेगा। और उत्साह बनाए रखने के लिए उत्सव की बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये जो महीना है कार्तिक महीना ये उत्सव का महीना है, तो इस कार्तिक महीने में बहुत भक्त लोग 32-32 माला कर रहे हैं, है ना। जन्माष्टमी के दिन आपने माला बना लिया, एकादशी के दिन 16-25 कर लिया, करते हैं। तो जिस दिन स्पेशल डे है उस दिन आप माला जब बढ़ा लीजिए, वैसे तो कार्तिक में एक टाइम खाने वाले को भी बहुत यश और संपत्ति और ये सब मिलता है, लेकिन खाने पीने का छोड़िए भले ही, लेकिन माला जब बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य ही माला है, बाकी तपस्या आप करें ना करें भले 10 बार खाएं, हालांकि खाना इतना अच्छा नहीं, अत्याहार हो जाएगा फिर, उसमें आपका माला में कैसे मन लगेगा, नींद आएगी। तो माला जब बढ़ाने से क्या होगा, अब कार्तिक में मान लीजिए आपने 32 माला कर दिया, कितने लोगों ने 32 माला किया, हरी बोल, वेरी नाइस। तो मान लीजिए आपने कुछ भी माला बढ़ाया, कितने लोगों ने कार्तिक में माला बढ़ाया वो हाथ उठाइए, देखिए बहुत प्रभु जी और माता जी लोगों ने माला बढ़ाया है, हरी बोल, थैंक यू। तो आप लोगों ने बढ़ाया ना, अब जब कार्तिक खत्म होगा 15 नवंबर को, आज गोपाष्टमी भी, आज भी उत्सव का दिन है, तो कार्तिक खत्म होते ही 16 माला पढ़ाएंगे, तो आपको लगेगा 16 माला इज सो इजी, मैं तो 32 कर रहा था, एग्जांपल है ये, है ना। तो उत्सव के दिन आप थोड़ा प्रयास करके जब माला बढ़ाएंगे तो आपको माला करना और आसान और इजी लगेगा, इससे आपका उत्साह बना रहेगा। हमारे भारत में डिप्रेशन रेट बाकी कंट्रीज से कम है, क्योंकि यहाँ पे हर दिन उत्सव है, कुछ ना कुछ उत्सव होता रहता है, दिवाली, होली, छठ पूजा भी हो रहा है अभी, कुछ ये पूजा हो रहा है, काली पूजा, दुर्गा पूजा, जो भी है पूरा समाज जो है लगा हुआ है, और जो दूर है उनको बुलाते हैं, दिवाली में नहीं आएगा, आना पड़ेगा, पूरे परिवार आ रहे हैं, तो यानी हम उत्सव मनाएंगे साथ में, तो ये हमारा कल्चर है। तो ऐसे ही वैष्णवों के कल्चर है, आप देखिए वृंदावन में, मायापुर में, कुछ ना कुछ उत्सव अनाउंस होता रहता है, है ना। तो इससे हमारा उत्साह बना रहेगा माला करने का। तो आइए अब नेक्स्ट हम लोग दसवा, ये अंतिम नहीं है लेकिन दसवा है, श्रुति पि नाम महात्म्य प्रीतिरहितो नरः अहम ममादि परमो नाम्नि स्वप्य पराधकृत। यदि कोई भगवान नाम के दिव्य नाम की महिमा सुनने के बाद भी जीवन में भौतिकतावादी विचारधारा रखता है और सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, अहम ममेति, शरीर से संबंध ही मेरे हैं, और हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान और प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, तो ये भी एक नाम अपराध है। तो यानी हम से दीक्षा होने वाली है आप सबकी कल, तो ऐसा नहीं कि रातों रात दीक्षा होते ही आपको कुछ फीलिंग तो होगा, क्योंकि आप परंपरा से जोड़ दिए जाएंगे, है ना। कोई कितना भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे, शादी होने के बाद ही समाज स्वीकार करते हैं, तो आज तक आपने बहुत 16 माला किया, अब आप नाम परंपरा से जुड़ जाएंगे, है ना, तो एक अलग फीलिंग तो होगा आपके अंदर, राइट। और ऐसा भी होता है कि दीक्षा के बाद तो मुझे इतना उत्साह हुआ था कि कई महीनों तक 3-5 में मेरा माला कंप्लीट हो जाता था, तो आपको भी ऐसा होगा, लेकिन बाद में उसको मेंटेन रखने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना।
तो यहाँ पे अहम ममेति मतलब मैं ये शरीर हूँ ऐसा समझना, तो ये या भौतिक इच्छाएं रखना वो रातों रात गायब नहीं हो जाएगा। दीक्षा के दिन आपका सारा पाप गुरु ले लेंगे, लेकिन फिर भी एकदम से आपका इच्छा गायब नहीं हो सकता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, हमें धैर्य रखना पड़ेगा। उत्साह निश्चय धैर्य, तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा कि एक दिन वो दिन आएगा। आशा बंध समुत्कंठा, हमें ये आशा बनाए रखना होगा। और ये मानिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे होप को कभी नहीं तोड़ते। एक तो हम प्रार्थना करना होगा रोज और प्रयास करना होगा। कई बार लोग प्रार्थना तो करते हैं सॉरी एक बार बोल दिया भगवान को रोज दीपक जलाते समय, लेकिन प्रयास नहीं करते। तो आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं अरे अभी तो हम प्याज लहसुन छोड़ेंगे, प्रे कर रहे हैं, अब जब भगवान चाहेंगे तभी तो छोड़ सकते हैं, ऐसे थोड़े छोड़ सकते हैं। तो ये उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया, प्रार्थना किया उन्होंने पर प्रयास नहीं किया, तो भी बात नहीं बनेगी। हमें दोनों अपना प्रयास लगाना होगा और कृष्ण से प्रार्थना करना पड़ेगा, तो हमारी बात बन जाएगी। तो नाम अपराध भी ऐसा ही है, प्रार्थना करना होगा। जैसे प्रभुपाद ने एक बार लेक्चर में बोला कि आप किसी का भी पतन हो सकता है, शिष्य को बोला मेरा पतन कभी नहीं होगा। अब इस बात में तो ऐसा लगता है ना, ये तो अहंकार जैसा ही हो गया। फिर राधा श्याम सुंदर के पास जब गए, आंखें बंद करके उन्होंने कुछ प्रे किया, फिर शिष्य ने पूछा आपने क्या प्रार्थना किया, प्रभुपाद ने बोला मैंने प्रार्थना किया कि हे भगवान मेरा कभी पतन ना हो। तो बोला आपने तो बोला था आपका कभी पतन नहीं होगा, तो प्रभुपाद ने बोला इसलिए तो नहीं होगा, मैं रोज सिंसियरली प्रे करता हूँ और आप लोग नहीं करते हो। तो प्रार्थना भी करना होगा और प्रयास भी करना होगा। अब लास्ट जो 11वां जो विलेन है, असली विलेन जो हमारे सारे 10 नाम अपराध करवाते हैं, अपि प्रमादः। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी भगवान नाम का अपराध है। तो यानी अगर हम कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, अगर हम सावधान नहीं हैं, तो भी अपराध है। तो इसी सावधान होने के साथ साथ क्या सारा अपराध नष्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसलिए हम हमें प्रयास करना है कि हम रोज इन 10 अपराध पर ध्यान रखें, और जब माला जप करें तो सावधानी पूर्वक उनको जप करने का प्रयत्न करें। तो थैंक यू वेरी मच। अब हम प्रश्न उत्तर लेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं। पांचवा नाम अपराध क्या है? ये बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा समझना कि अलग अर्थ मतलब बहुत बड़ा अर्थ करके बता रहे हैं ऐसा। और कोई प्रश्न है? पहला प्रश्न है कि आप कभी कभी भक्तों पर हमें अवगुण दिखते हैं और ऐसा लगता है तो ध्यान से जप नहीं करते हैं, उनमें ये कमी है या वो कमी है। हाँ चल रहा है, उस अपराध से मुक्त होने का एक बहुत सुंदर एग्जांपल आपने कथा में भी सुना होगा काफी, कि एक भक्त आए और बोला कि महाराज ये जो मंदिर में मैं आता हूँ, मंदिर में तो लोग इधर उधर की बुराई कर रहे हैं, कपल्स बैठे हुए हैं, मंदिर का माहौल खराब करके रखा है। तो बोला ठीक है आपने मंदिर की परिक्रमा कर लिया? मैंने कर लिया। ये लो एक ग्लास पानी इसमें से एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए ऐसे बोला, तो वो बहुत ध्यान से ग्लास को पकड़ कर परिक्रमा किया। तो जब वापस आए तो उनको पूछा किसी ने कुछ बुराई किया, आपने किसी को देखा कुछ ऐसा करते हुए? तो बोलते नहीं मेरा तो पानी गिर जाता ना अगर मैं इधर उधर ध्यान देता। तो जब हम खुद की भक्ति पर ध्यान देंगे ज़्यादा, खुद
खुद के इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देंगे ज़्यादा, खुद के नाम जप पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हमें दूसरों के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उस पर ध्यान नहीं जाएगा। तो ये तरीका है। और थैंक यू, अच्छा प्रश्न था आपका। और दूसरा प्रश्न क्या है? क्योंकि हमारा काम है, आपका प्रश्न है कि बहुत लोग ऐसे उत्तर देते हैं कि आप तो माला जप कर रहे हो, फिर आपको भगवान दिखे नहीं दिखे तो मैं नहीं करूँगा, जब आपको दिखेगा तब। तो हमारा काम है जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये हमारे महाप्रभु का क्या है, आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का। तो हमारा कर्तव्य हम पालन करेंगे। अब उसमें से जो लोग पुण्यात्मा है वो जुड़ जाएंगे, जो नहीं है वो भौतिकतावादी जीवन जीते जिएंगे और कई जन्मों के बाद वो भी जुड़ जाएंगे, तो इसलिए ठीक है। और कोई प्रश्न है? यस। तो ये प्रश्न है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माला करने से हमारा अपराध से बचने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत लोग दुनिया तो उठता ही नहीं है, लेकिन अगर हम माला बढ़ाना चाहें और तब क्या होगा, दिन में माला करना होगा, तो तब भी आप जब एकांत में माला करेंगे या शाम को भक्तों के संग संग करेंगे तो अपराध नहीं होगा। लेकिन यंग लोगों के लिए ये है कि आप 16 माला के बाद भगवत गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें, घंटों पढ़ें और श्रवण करें भागवतम को, भागवत गीता को, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मिलियन रुपीस का क्वेश्चन है, मतलब मिलियन डॉलर्स का, कि अपराध हो गया आप, तो नाम अपराध तो हम करने में अभ्यस्त हो गए, तो उससे कैसे मुक्त होंगे? नाम अपराध से मुक्त होने के लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना होगा। नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे तो नाम अपराध से मुक्त हो जाएंगे। वैष्णव अपराध से मुक्त होने के लिए वो वैष्णव हमें माफ़ कर देंगे, तब होगा। और कोई क्वेश्चन है? यस प्रभु, प्रश्न है, प्रभु जी का प्रश्न है कि कुछ लोग नाम पर तो विश्वास करते हैं, गुरु पर नहीं करते, उसका कारण है मूवी बहुत देखते हैं और मूवी में बोला है कि हमें बीच का कोई नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट कृष्ण से बात कर लेंगे। लेकिन आपको ABCD सीखने के लिए भी गुरु चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए गुरु चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए गुरु चाहिए, तो भक्त बनने के लिए नहीं चाहिए होगा। तो गुरु के प्रति एक ही दिन में श्रद्धा डेवलप नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति को आप नाम अधिक से अधिक जप करने के लिए बोले और शास्त्र पढ़ने के लिए बोले, भागवतम का श्रवण करने के लिए, गीता का श्रवण करने के लिए बोले, तो आप देखिएगा धीरे 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 जब शास्त्र पढ़ेंगे श्रवण करेंगे वो तमो रजोगुण से जब मुक्त होने लगेंगे तो गुरु के प्रति विश्वास बढ़ेगा। नहीं, उन्होंने बस ये कहा ना कि प्रभु मुझे गुरु के प्रति विश्वास नहीं है, तो पाखंडी तो होते हैं बहुत सारे गुरु, तो वो सही बोला, लेकिन नकली सोना है करके असली सोना नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, तो असली गुरु भी है, तभी तो लोग भगवत धाम जा रहे हैं, तभी तो उनको भगवान का दर्शन हो रहे हैं, तभी तो रियलाइजेशन हो रहा है। और कोई प्रश्न है? जैसे कोई बंदे का सेवा कर रहा है तो सेवाएं रहती है, उसमें लोग सुबह शाम तक बिजी रहते हैं, उसमें माला मतलब 16 माला तक भी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उसका क्या है? हाँ, उनका प्रश्न है कि उत्सव में अगर मंदिर में कम लोग हैं और सारा इंतजाम करना है तो 16 माला करना भी मुश्किल है, तो कैसे हम माला बढ़ाएं? उस समय आप सेवा पर ध्यान दें, क्योंकि आप बाकी लोगों की भक्ति के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, है ना, अपना जितना भी जप है वो कंप्लीट करके फिर भले ही बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो इस हो गया, क्योंकि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है ना मंदिर का, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। आप बोलिए,
कभी या किसी और का, गुरु के अलावा किसी और का हमें तौलीद नहीं करना है। तो माता जी की मैंने कहीं सुनना है सुनना चाहिए कि उन्होंने कहा था जैसे हम माता वैष्णव ब्राह्मण से होते हैं तो हमें अपने जैसे अपने हमारे जो डिटेल्स होते हैं उनके सामने अगर हम भक्तों का गुणगान करते हैं किसी के भी जो भी हम हमारे टच में हैं तो उनसे हमारे अपराध कम होते हैं। हम ये आप भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु में आप पढ़ेंगे तो आएगा कि भगवान के सामने या गुरु के सामने भी किसी अन्य का प्रशंसा नहीं करना चाहिए, गुरु का और कृष्ण का ही करना चाहिए। श्रृंगार वगैरह के लिए समय श्रृंगार होना होता है ना। हाँ भूख भूख लग रहा होगा, इवनिंग 6 बार भूख लगता है भगवान को। यही रीज़न है होगा, फिर भी आप पूछ सकते हैं जो लोग बैंक तो आप क्लोज करके कर सकते हैं जैसे मंदिर में, हाँ जैसे मंदिर में करते हैं वैसे ही फॉलो करिए। थैंक यू। और कोई प्रश्न है? क्वेश्चन ये है कि जब कभी कभी हमारा जब बहुत अच्छा होता है मतलब वन वीक अच्छा चलता है फिर हम सोचने लगते हैं बड़ा अच्छा हो रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है तो ये अंपायर इज दिस एरर्स आप बताइए। माता जी लगता है कभी कभी कि हम अपने आप को बेटर समझ रहे हैं दूसरे से, बेटर समझना अहंकार है। अगर आप ऐसे समझ रहे कि अच्छा हो रहा है और मैं ऐसे ही अच्छा करती रहूँगी तो कोई बात नहीं। तो खुद को बेटर समझना और दूसरों को कम ये तो अहंकार है। यस थैंक यू। और कोई प्रश्न है? यस अवॉइड करेंगे हम। अगर कोई दूसरे वैष्णव आकर हमारे सामने निंदा कर रहे हैं किसी वैष्णव की तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं विथ इंटेलिजेंस क्योंकि दोनों को ही लगेगा अपराध। यस बोलिए। बेटर है कि हम ऐसे सिचुएशन को परहेज ही करें क्योंकि निंदा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए खराब ही है। और माता जी अगर निंदा अगर जैसे सुन लिया या फिर कुछ ऐसा हो गया अगर कान में पड़ गया तो उसके बाद वो तो हाँ लग गया तो फिर उसके बाद उसके बाद वैष्णव से क्षमा मांगना होगा, उनको प्रसाद खिलाइए गिफ्ट दीजिए तो अपराध नष्ट होगा, वो वैष्णव आपको माफ कर देंगे। और वो वैष्णव वैष्णव नहीं है अगर वो माफ़ नहीं करते, ऐसे भी लेक्चर्स में हम सुनते हैं तो हमें क्षमा भी कर देना होगा क्योंकि भौतिक संसार है तो लोगों के अंदर क्वालिटी का डिग्रेडेशन होगा होना इजी है। हरे कृष्णा। और 2 मिनट हम लेंगे इसे अगर क्वेश्चन। जैसे कि अब हमारी दीक्षा होने जा रही है और हम गुरु को प्रेजेंट कर रहे हैं समाज के सामने तो हमारा मूड कैसा होना चाहिए और हमारा मतलब हम अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें क्योंकि समाज में हम कृष्ण के हैं क्योंकि हम तिलक लगाते हैं कंठी पहनेंगे और हम पर्टिकुलर अब गुरु के अंदर आने वाले हैं गुरु परंपरा के अंदर जाने वाले तो हम अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें और हमारा मूड हमेशा कैसा होना चाहिए और जब हमारे सामने गुरु महाराज हों तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए। रामकृष्ण के सामने जाएं तो हमें अपने गुरु के लिए या
गुरु के सामने जाए तो हमें क्या उनसे पूछना चाहिए या कैसे आपको प्रेजेंट करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके रिलेटेड आपका और भी क्लासेस होंगे दिन भर में। मैं संक्षेप में बताती हूँ कि जब आप गुरु या कृष्ण या किसी के भी सामने जाए समक्ष, तो हमारी चेतना कृष्ण चेतना में स्थिर होना चाहिए। गुरु से हमें हमेशा आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहिए, भौतिक प्रश्न नहीं कि मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है कुछ चोट का दे दीजिए, तो ये सब गुरु का बिजनेस नहीं है, रियल गुरु का बिजनेस नहीं है। रियल गुरु का बिजनेस है कि वो आपको भगवत धाम ले जाएंगे, उसका रास्ता बताएंगे, कैसे शुद्ध भक्ति करना है ये बताएंगे, टोटका वोटका नहीं लेंगे वो। तो इसलिए गुरु से हमेशा आध्यात्मिक प्रश्न करना चाहिए और हमेशा हमें कृष्ण चेतना में रहना चाहिए। समाज के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा व्यवहार वैष्णव जैसा होना चाहिए। वैष्णव क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या उनका वेशभूषा होता है, शालीनता होना चाहिए व्यवहार में और वेशभूषा में। और कृष्ण विषयक जो है उनकी बातें होनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति विषयक नहीं। तो इस तरह से आपके आसपास जितने भी पुण्यात्माएं हैं वो ऑटोमेटिकली आपके आचार आचरण से भी अट्रैक्ट होते हैं और वो भी किसी ना किसी तरह से भगवान से जुड़ जाते हैं। थैंक यू। अच्छा प्रश्न है। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि कोई दूसरा व्यक्ति बोलते हैं कि आपका कृष्ण गलत है तो उनको क्रोध आता है, पर अच्छी बात है कि प्रभु जी क्रोध का ऐसे प्राकृत्य मार पीट या डांटना फटकारना ऐसा नहीं करते। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि क्या करना चाहिए, कैसे सामना करना चाहिए। हनुमान जी को भी बहुत क्रोध आया था, लंका जला दिया, बिकॉज हनुमान जी वॉज पावरफुल। लेकिन इतना क्रोध नहीं आया था कि राम जी को आगे रिपोर्ट किया, सॉरी प्रभु मैंने तो लंका जला दिया, सीता मैया भी अशोक वाटिका भी जल गया। ऐसा इतना क्रोध नहीं आया कि एकदम अंधे हो गए, राइट, विभीषण का घर नहीं जलाया। तो यानी क्रोध में भी उनका ध्यान है क्या जलाना है या नहीं जलाना है। तो हमारा भी क्रोध ऐसा ही होना चाहिए, अगर भगवान का कोई बोलते हैं तो क्रोध आना अच्छी बात है, लेकिन क्रोध को ऐसे प्रकट ना करें कि हम हनुमान जी भी नहीं है कि जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए है कि आप ऐसे व्यक्ति जो कन्विंस अगर नहीं हो रहे हैं और आप इतना अभी इतना ज़्यादा मतलब विद्वान नहीं बने हैं तो तब तक उनको छोड़ दीजिए उनकी हालत में, और बाद में जब आप विद्वान बनेंगे तो भी ज़्यादा तर्क वितर्क से कोई समाधान नहीं निकलता है। जो सुनने के लिए रेडी है उसी में आप जो है उसी को आप अपना बताएंगे अनुभव तो वो समझेगा। तो तर्क से तो कोई भक्ति को सीख ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो लोग ओपन माइंडेड हैं वो तर्क के बाद भक्ति में आए भी हैं बहुत लोग। तो इसलिए हम लोग अपना बढ़ा सकते हैं ज्ञान। कोई गाली भी देता है तो हम चुप लगा देते हैं, उसको गाली देते हैं होता है हम भगवान को। हाँ तेरा कृष्णा इतना गोपिया रखते थे, 16,000 रखते थे, ऐसा रखते थे, हम चुप लगा कर चले जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अगर तबियत ठीक ना होने पर भी मैं 16 माला कर रहा हूँ और वो 16 माला इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जो जब मेरी तबियत ठीक रहती थी, तो क्या वो अपराध है? बहुत सुंदर प्रश्न है। मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट है क्रिटिकल पाथ मेथड, मतलब जब मुसीबत का समय है उस समय एम्प्लॉय अगर बहुत अच्छी तरह से अपना प्रयत्न करते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो आपकी तबीयत खराब है, प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर मेरी तबीयत खराब है उस समय मैं माला कर रहा हूँ लेकिन तबीयत खराब होने के कारण इतना सावधानी पूर्वक नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या वो अपराध है? तो भगवान इमरजेंसी सिचुएशन को भक्तों से या मनुष्य से ज़्यादा समझते हैं और वो खुश होते हैं कि आप में नहीं है उतना सामर्थ्य उस समय कि आप इतना कर पाए माला भी, बहुत दुख शायद छोड़ ही देते लेकिन आपने फिर भी किया, फिर भी उनको स्मरण किया, याद किया, तो वो भगवान और भी आपको रिवॉर्ड करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपका क्या स्थिति है। जैसे हमारा क्या, हमारा अभी यहाँ बैठे हैं
सर में मक्खी घूमेगा तो हमें पता चलेगा, मच्छर काटेगा पता चलेगा, हम चेतन हैं। इसलिए कृष्ण पूर्ण चेतन है। कृष्ण को आध्यात्मिक और भौतिक जगत में क्या क्या चल रहा है, किस व्यक्ति का क्या इंटेंशन है, सब समझ में आता है। तो इसलिए भक्ति आसान है, क्योंकि भगवान को मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता है ना। इसलिए ठीक है, भगवान के लिए रोना अच्छा है, आता है तो क्या तो भगवान के लिए रोना आता है तो भगवान के स्मरण में चाहे बोलते ना, लोग थोड़ा पागल भी हो जाते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, तो कभी कूदते हैं, कभी नाचते गाते हैं, तो ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा श्याम सुंदर की, कृष्ण बलराम की, गौरनिताय की, श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंद। तो हम सभी वैष्णवों को प्रणाम करके क्लास समापन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।